ये देखो मेरे पाकिस्तानियों, ट्राम भी जा रही है और यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वीडिश है। सबसे ज्यादा शहर आप किसको कहते हैं? शहबाज शरीफ साहब को। मर के भी खैर है एक तरह से। गजी रेस्टोरेंट इस्तांबुल की कैथीड्रल की सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ रहा हूँ। ये हेलसिंकी आई और वो सामने हमारा क्रूज है, ये अभी जाएगा शिप के अंदर। चले भाई, अब हम निकल आए हैं लाइब्रेरी से बाहर और इस वक्त जा रहे हैं खाना खाने। तो काफ़ी दिन जो है वो टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर गया, पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी ना। अभी जो है वो खाना खाएंगे और उसके बाद जो है वो फिर वापसी क्रूज़ की तरफ, शिप की तरफ जो है वो रवानगी करेंगे। पैदल का ही रास्ता है सारा, तो आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे आएँ कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज़ करें। उसके बग़ैर भी जो है वो बहुत आराम से गुजारा हो सकता है, हेल्दी भी है और पैसों की बचत भी है। अच्छा ये देखें, ये बच्चे जो है ये एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। लाइब्रेरी जो है वो बड़ा मज़ेदार जगह थी, मज़ेदार इन द सेंस के काफ़ी मॉडर्न थी। 4.5 साल पहले जो है ये लाइब्रेरी यहाँ पे इन्होंने बनाई है और 3 फ्लोर्स हैं इसके। जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर रेस्टोरेंट वगैरह है और कुछ एग्जिबिशंस छोटी मोटी जो लगी हुई है वो है। फर्स्ट फ्लोर जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि फ़र्स्ट फ्लोर पे वो इसी तरह प्रिंटर्स वगैरह लगे हुए हैं, और फिर सेकंड फ्लोर पे भी जो है वो बुक्स हैं लाइब्रेरी की। तो बहुत अच्छा बना हुआ है और ये बेसिकली इसे पता लगता है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं आवाम की, हुकूमत की। पढ़ना लिखना जो है वो प्रायोरिटी है, तरक्की करना प्रायोरिटी है, या फिर जो है वो फजूल टाइम ज़ाया करना और बिल्कुल भी जो है वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा ना डालना। आई मीन के ना कि सिर्फ आप जो है वो मुल्क के लिए चले फ़ायदा तो दे नहीं रहे, उल्टा जो है वो नुकसान का बायस बन रहे हैं ना, के तोड़ फोड़ कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे जो कि सबसे आसान काम है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। तो ये सारी सिचुएशन है। तो चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम जो है ये सेंटर की तरफ फिर से आ गए हैं और ये मेरे साइड पे अगर आपको नज़र आए तो ये वही सेंट्रल स्टेशन। अच्छा इलन जो है यहाँ पे इनकी एक कंपनी बहुत मशहूर है, तमाम जो है वो मुल्क में रहने वाले जो हैं उनको अगर याद हो तो नोकिया जो है वो फिनलैंड की है। नोकिया जो है वो सिर्फ फ़ोन्स वगैरह नहीं बनाती, वो सेलुलर इक्विपमेंट वगैरह भी बनाती है, जो कि अभी भी उनका जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है और ये लोग जो है वो इक्विपमेंट वगैरह बना रहे हैं टेलीकॉम का। ये देखें तमाम ऑफिसेस यहाँ पे मौजूद हैं और नोकिया जो है वो नोकियन बेसिकली वो टायर्स वगैरह भी बनाते हैं। और इसके अलावा और भी इनके जो है वो कुछ कंपनीज़ इसके अंदर हैं नोकिया ग्रुप के अंदर जो चीज़ें वगैरह बनाती हैं। अच्छा अगर आप ये देखें तो यहाँ पे आपको स्नो का जो रंग है वो येलो गंदा सा नज़र आ रहा है, उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे सॉल्ट वगैरह फेंकते हैं ताकि स्नो जो है वो जमे ना, और साथ में पेबल्स वगैरह फेंकते हैं छोटे छोटे पत्थर वगैरह कि आपकी ग्रिप हो सके ना। और ये ऊपर जो है ये रेनोवेशन चल रही है, तो इन्होंने ये नीचे एक पैसेज बनाया हुआ है जाने के लिए कि रेनोवेशन ऊपर चलती रहे और सेफली जो है वो आप नीचे से गुजर जाएं।
हमेशा ही जो है ना आइस बनी हुई है उन जगहों पर जहाँ पे स्नो जो है वो मेल्ट वगैरह नहीं हुई थी। अच्छा, छोटा सा कोजी सा शहर है, मज़ेदार सा, आपको मौका मिले तो ज़रूर चक्कर लगाएं, वर्थ इट है। ये देखें जी, ये देखो मेरे पाकिस्तानियों, ट्राम भी जा रही है एक ही रोड के ऊपर, गाड़ियां भी चल रही हैं, लोग भी चल रहे हैं। प्रायोरिटी जो है वो लोगों की है, गाड़ियों की है, ट्राम की नहीं। जमहूरियत जो है वो जमहूर से, और हमारे वहाँ पे जमहूरियत जो ऊपर बैठे हुए वहाँ हमारे हुक्मरान हैं उनसे। अच्छा भाई मेरे पाकिस्तानियों, ये सामने जो आपको ये गोल वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये स्वीडिश थिएटर है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फिनलैंड में जो है वो दो ऑफिशियल ज़बानें, और यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो स्वीडिश है, स्वीडिश स्पीकिंग आबादी है। तो ये जो है ये स्वीडिश थिएटर है यहाँ पे ना। तो ये देखें, और बिल्डिंग्स जो हैं आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट है स्वीडन से, या दूसरे जो स्कैंडिनेवियन ममालिक है उनसे थोड़ा डिफरेंट है। चलें थोड़ा आगे चलते हैं, और हम इस वक्त रवा दवा हैं रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने। पहले पेट पी जा फिर कोई काम दूजा, क्या समझे। चलें भाई ये बिल्डिंग्स देखें, और अगर इस तरफ करूं जूम आउट करता हूं थोड़ा सा, वो देखें कितनी खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई है। सिग्नल भी बंद होने वाला है, जल्दी जल्दी निकल जाऊं। थोड़ी आइस है, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ेगा। असल में ये जो आइस वगैरह बन रही है ना, ये इस वजह से बन रही है कि जब सूरज पड़ता है ना, तो जाहिर बात है सूरज की तपिश तो होती है, तो छत के ऊपर जो भी बर्फ़ होती है ना वो पिघल के उसका पानी नीचे आता है, और वो ऑलरेडी बर्फ़ में पड़ता है। ये देखें आप, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये आइस है, ये फुल जिसको कहते हैं ना, ये आइस है। पाकिस्तानियों को तो आजकल बर्फ़ भी मैसर नहीं है, बिजली नहीं होती, बर्फ़ कहाँ से बनाए बेचारे, क्यों भाई जान। हाँ भाई जान, लेकिन आप देखें पाकिस्तान का झंडा, इन्होंने एक हिस्सा जो है बिल्कुल बिल्कुल निकाल के ग्रीन लगा के उसकी जगह येलो लगा दिया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यूक्रेन के मोहब्बत में तो पाकिस्तान और यूक्रेन जो है इस वक्त दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शामिल हो गए हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। और इसका सबसे ज्यादा सेहरा आप किसको कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब जी आपने क्या कर दिया जी, अदील साहब आपने मियां दे नारे वजन गए हैं जी। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। देखें जी शहबाज शरीफ साहब आए, माशाल्लाह से डॉलर भी जो है वह नीचे आ गया, और डॉलर की उड़ान उन्होंने कम कर दी, 160 से नीचे आके 270 पे आ गया, तो 100 रुपये कम किए उन्होंने प्लस में। तो देखें
और क्या चाहिए आवाम को, पाकिस्तानियों तुम लोग ना शुक्र है कि ना शुक्र ही रहना। कभी भी जो है ना तुम लोग किसी बंदे को जो है उसके अच्छे कामों पे अप्रिशिएट ना करना। डॉलर की सारी उड़ान उन्होंने ख़त्म कर दी और तुम लोग जो है वो कह रहे हो कि जी महंगाई है। अच्छा ये अभी मैं जिस जगह से गुज़र रहा हूँ ना, ये है कब्रिस्तान, आप देखें चेक करें ना आप, ये जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ ये कब्रिस्तान है। एक ये कब्रिस्तान है और एक वो वाला कब्रिस्तान है जो हमारे मुल्क का है, जहाँ पे नशेई बैठे हुए होते हैं सही, और उन्होंने मशहूर किया होता है कि यहाँ से नहीं गुज़रना, यहाँ पे जो है ना वो जिन भूत रहते हैं हैं, और सारे जो है ना वो गलत काम जो है वो कब्रिस्तानों में ही हो रहे होते हैं। हाँ जाहिर बात है मुर्दों ने कौन सा आके बताना है भाई कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। तो देखा जाए तो जगह तो उन्होंने खैर अच्छी चूज़ की हुई है माशाल्लाह से, लेकिन एक ये भी कब्रिस्तान है जहाँ पे जो है वो मर के भी खैर है एक तरह से। ये देखिए आवाम के लिए कैसा ज़बरदस्त इन्होंने शॉर्टकट बनाया हुआ है यहाँ से कब्रिस्तान से, कि आप जाएँ शॉर्टकट, अदरवाइज़ तो आपको घूम के जाना पड़े। तो ये जो है ये सिचुएशन है भाई, और बर्फ़ की सिचुएशन देख लें क्या ज़बरदस्त है जी, मज़ा ही आ गया। पहाड़ बने हुए हैं बर्फ़ के, इतनी जो बर्फ़ है ना इससे ज़्यादा बर्फ़ बल्कि किसी ज़माने में स्वीडन में हुआ करती थी, मगर फॉर अनफॉर्चुनेट भी कह लें एक तरह से कि बर्फ़ उस तरीके से पड़ नहीं रही है अभी ना, इसका भी एक अलग चार्म है। आप ये देखें दरख्तों पे भी जो है ना हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई है, बट वो फ़िलहाल जो है काफ़ी मेल्ट हो चुकी है सूरज की वजह से। तो काफ़ी लकी हैं कि हमें एटलीस्ट जो है वो सूरज मिला है थोड़ा सा, तो सर्दी जो है वो उस तरीके से हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही, बस शेड में आते हैं तो फिर करती है। और ये देखें ये बेंच वगैरह पे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी जो है वो बर्फ़ पड़ी है। ये मैं इसके करीब जाता हूँ ना तो आपको पता लगेगा, ये अभी इसमें से काफ़ी सारी आई थिंक गिर भी गई है ना बर्फ़। ये देखें म्यूज़िक भी चल रहा है जी, म्यूज़िक भी चल रहा है, अंग्रेज़ी म्यूज़िक चल रहा है और गुजरा है वाला म्यूज़िक नहीं चल रहा। गुज्जर भाइयों से माज़रत के साथ, लेकिन अगर ये गाना ना बनता हो गुजरा भाई तो हमारे गुज्जर भाइयों का कैसे लोगों को पता लगता नेशनली और इंटरनेशनली कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं और दूध की जो है वो हमें सप्लाई दे रहे हैं पानी मिला मिला कर। तुर्की शक्ल के लोग भी गुजरे हैं तो दैट मीन्स के रेस्टोरेंट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। चाय हाथों में पकड़ी हुई थी इन्होंने, तो टर्किश रेस्टोरेंट्स की तरफ ही हम रेस्टोरेंट की तरफ ही हम जा रहे हैं। अवाम उन्नास भी गुजर रही है, देख के हंस रहे हैं, कह रहे हैं भाई देखो कैसा पागल बंदा है कि इस सर्दी में जो है ना कैमरा पकड़ा हुआ है और वीडियो बना रहा है। ये देखें आइस यहाँ पे बनी हुई है, तो ये देखें आसान नहीं है भाई, आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग के दरिए के बजाय इस वक्त एक स्नो का दरिया है और डूब के जाना है, तो ये हालात हैं भाई। बहुत सर्दी है और उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। फिर अच्छा ये काफ़ी मज़े के जो है वो कलरफुल किस्म का ड्रेस है यहाँ पे ना, बस ऐसे ही एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये रेस्टोरेंट भी आके ही नहीं दे रहा, बस
वो आ गया जी रेस्टोरेंट भी। ये आ गया जी इस्तांबुल ग्रिल, इधर हमने जाना था। और ये सामने जो है वो ये झंडा टर्की का नहीं है, ये तूनिस का झंडा है, तो प्रॉब्ली एम्बेसी है यहाँ पे शायद। तो ये आ गया जी रेस्टोरेंट इस्तांबुल ग्रिल, इधर हमने जाना है और इधर जाके अब हम जो है वो खाना खाएंगे। तो चलें अंदर। अच्छा भाई यहाँ पे जो है वो बुफे है, तो ये देखें और इसके अलावा पिज्जाज वगैरह ऊपर। पीछे जो है वो इनका किचन है, वहाँ पे आप जो है वो अलग काटे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये इस्तांबुल की ट्राम तकसीम स्क्वायर वाली, और ये यहाँ पे इन्होंने जो है वो पिज्जाज वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी हमने जो है ना वो वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया है क्रूज़ की तरफ। खाना वगैरह खा लिया है, रोटी छुट्टी खा ली है हमने, और अब क्रूज़ की तरफ चलेंगे। और खाने का बताता चलूँ कि बस ठीक था, आई मीन बुफे था, क्वांटिटी और क्वालिटी वाला हिसाब था कि क्वांटिटी ज़्यादा थी, क्वालिटी इतनी बुरी भी नहीं थी। ग्रिल चिकन वगैरह थी, और इसके अलावा जो है वो कोफ्ते वगैरह थे, कोफ्ते वगैरह कुछ बेहतर थे। बाकी डोनर कबाब था और सलाद वगैरह थे जिसमें हुम्मस भी था। तो बस अगर मैं इसको रेट करूँगा तो आई विल रेट इट अराउंड 7.5 और 7, इससे ज़्यादा नहीं है। अला कार्टे हमने ट्राई नहीं किया चूँकि हमारे पास एक तो वक्त भी नहीं था, और दूसरा ये था कि अला कार्टे इनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। तो बहरहाल पेट भरने वाली बात थी, तो हमने जो है ना बस पेट भरने को तरजीह दी बजाय इसके कि हम जो है वो वेट करें खाने का। और ये क्विक था, क्विक एंड डर्टी वाला हिसाब किताब था। तो अभी ये बेसिकली जो है ना यहाँ का मेन स्क्वायर टाइप है, गर्मियों में इस तरह होता है। ये दरख्त वगैरह जो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बड़ा ख़ूबसूरत एक मंज़र पेश करते हैं। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं शिप की तरफ। और रास्ते में अगर हमारे पास टाइम हुआ और अगर कैथीड्रल खुला हुआ हुआ तो फिर हम कैथीड्रल का भी एक चक्कर लगा लेंगे और आपको अंदर से दिखाएंगे। तो चलें आगे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। चले भाई कैथीड्रल की तरफ जा रहे हैं, टाइम बहुत कम रह गया, वक्त कम और मुकाबला सख्त है। चलो फिर बाद चलें जी। और अभी ये कैथीड्रल की सीढ़ियां जो है वो चढ़ रहा हूँ, चांस वाली बात है, खुला हुआ हुआ तो आपको दिखा देंगे, दरवाज़ा तो जो है ना बंद ही लग रहा है। पर चलें ट्राई करते हैं। ओह खुला, चलें चलें आ जाए जी, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलें जी अंदर आ गए। ये देखें जी सामने शहर का नज़ारा, काफ़ी केयरफुल होके चलना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आइस है। चलिए जी ये सामने है यहाँ का सिटी हॉल, ये देखें हेलसिंकी का। और अभी मैं रवा दवा हूँ शिप की तरफ,
सामने जो है ये सिलिया लाइन का जहाज है वो देखें, और हमने जाना है विकिंग लाइन पे। अगर आम उसमें जो है वो अगर हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो वाइकिंग लाइन होगा, तो हमने वहाँ जाना है। और सामने आपके जो है वो हेलसिंकी आई है, और इस तरफ पे जो है वो एक और कैथीड्रल है जो ऊपर बना हुआ है। और ये देखें जी, और ये जो इधर आपको बोट्स वगैरह नज़र आ रही है ना, ये बोट्स यहाँ से जो है ये टूरिंग बोट्स हैं, जैसे यहाँ स्टॉकहोम में होती हैं, मुख्तलिफ जो है वो आइलैंड्स वगैरह पे जाती हैं। तो यहाँ के भी जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे आप ये उनके लिए आप ये बोट वगैरह ले सकते हैं। ये इस साइड पे देखें समंदर जो है वो जमा हुआ है, जो पानी थोड़ा बहुत आया हुआ है समंदर का वो सारा जम गया है। समंदर है यहाँ पे, कुछ पैसेज वगैरह इसके अंदर जो है वो जमे हुए भी हैं। और ये जो समंदर है ना, ये बाल्टिक सी है बेसिकली ना, मोस्टली काल्म होता है ये। और अभी हम क्रूज की तरफ जा रहे हैं, रवा दवा है, बेहतरीन किस्म का जो है वो वेदर है, सूरज निकला हुआ है। और ये जितने भी यहाँ पे अभी हेलसिंकी की जो लव बर्ड्स हैं उनके जो है यहाँ पे तमाम के तमाम उन्होंने जो है ये ताले वगैरह लगाए हुए हैं, और ये ताला लगा के जो है ना चाबी ये नीचे समंदर में फेंक देते हैं। अक्सर ऐसा होता है जिनकी जो है रिलेशनशिप टूटती है वो फिर आके जो है ना ताले काट रहे होते हैं। ये हेलसिंकी आई, और वो सामने हमारा क्रूज। थोड़ा सा ही सफ़र रह गया पहुंचने में क्रूज की तरफ। अच्छा भाई, ये देखें अब हम जो है वो टर्मिनल पर पहुंच आए हैं। ये हमारे इस साइड पे जो है ना ये हमारा क्रूज खड़ा हुआ है गब्रियाला, और बहुत सारी जो है कंटेनर्स भी यहाँ पे खड़े हुए हैं जो इस वक्त लोड होके स्वीडन की तरफ रवाना होंगे। चलिए भाई, ये देखें ये हम अंदर आ गए, और ये हेलसिंकी का पोर्ट है, और अब हम यहाँ से जो है वो अंदर जाएंगे शिप में। तो आइए चलते हैं। चलो भाई, आ गए हैं हम अंदर, और इस वक्त हम जो है वो शिप की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ये शिप पे जाने का रास्ता, ये देखें सुबह हम जो है वो, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से सुबह के एकदम यहीं से गुजरे थे, और वो सामने जो है वो हमारा क्रूज है। ये देखें जी, ये समंदर है, और ये इसका जो है वो हल खुला हुआ है जहाँ से तमाम कंटेनर्स वगैरह, और वो देखें आपको एक कंटेनर नज़र भी आ रहा होगा, वो दाखिल हो रहे हैं शिप के अंदर। थोड़ा आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से इतना कोई साफ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो अगर आपको नज़र आ रहा हो अंदर लाइट्स वगैरह ना कंटेनर्स की, और वो सामने जो है वो सिलिया लाइन का जहाज़ है जो कि वो भी नज़र नहीं आ रहा है अभी, सूरज पड़ा है। और ये चूँकि इस वक्त फिनलैंड में है तो फिनलैंड का झंडा है, स्वीडन से जब आप निकले थे तो स्वीडन का झंडा था, तो बस फ़र्क ये है। अभी ये जो है ना गाड़ी ये कंटेनर्स ले जा जाके छोड़ती है, और ये अभी जा रही है दोबारा कंटेनर लेने तेज़ी से। अभी खड़े होके देखते हैं अभी कंटेनर लेकर आएगी तो आपको दिखाते हैं इसका। अच्छा ये देखें ये कंटेनर आ गया, ये तो पूरा बेसिकली जो है ना वो ट्रक है जिसके ऊपर कंटेनर है। ये देखें ये अभी जाएगा शिप के अंदर, चेक करो मेरे पाकिस्तानी हो तुम, अभी तक चप्पू की कश्तियाँ चला रहे हो, और इधर देखो ट्रेड चल रहा है। ये देखो ये दूसरा आ गया। इसी तरह के और भी बहुत सारे कंटेनर जो हैं वो इस क्रूज के अंदर जाएंगे,
और ये गाड़ियों के अलावा है जिसमें लोग आए हैं, ये देखो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है वो फरमाया है कि समंदरों को मुसख़र करो, और हम समंदरों को मुसख़र कर रहे हैं मच्छियाँ पकड़ के। और वो देखो ये जो अकवाम है जिन्होंने समंदर को मुसख़र किया है, क्रूज शिप बनाए हैं, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाए हैं, कहीं भी कोई मसला होता है लेके पहुंच जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं होती इनको लैंड पे आने की, समंदर से ही बैठे बैठे मिसाइल दागते हैं और जो है ना वो शहर और मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो ये फ़र्क है भाई। तो अभी अंदर जाएंगे, ये अभी यहाँ से लेफ्ट पे ही जैसे ही मुड़ेंगे ना तो उसके बाद क्रूज़ के अंदर हम दाखिल हो जाएंगे। चलें भाई, अब हम क्रूज़ में दाखिल हो रहे हैं। ये इधर से ये देखो जी। अच्छा, ये जिस पे हम दाखिल हो रहे हैं ना ये है 5th floor और हम हैं जी 6th floor पे, और इस शिप पे जो है ना वो 11 floors हैं। ये देखें जी 5th floor।